सब्सक्राइब करिए ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा, आप देख रहे हैं क्राय डबलोटेक, ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं टाइप करके। मतलब सिर्फ आप टाइप करके बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक महीने में। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास जॉब नहीं है, डिग्री तो बहुत अच्छी है, इंग्लिश जानते हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट, ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप घर पे बैठ के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होगी, आप अकेले ही अपने आप के दम पे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इतनी सी गुजारिश है बस आपसे कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए जिस भी तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज इसको स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं अपने इंडिया में 60% से ज्यादा लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, मतलब उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, और जिनके पास नौकरी है वो अपनी नौकरी से परेशान है। कैसे परेशान है? 9 to 5 वाली जॉब, सुबह उठो नौकरी पे जाओ, जॉब पे जाओ, पूरे दिन भर बॉस की चिक चिक ये सुनो वो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो एक एम्प्लॉय ही समझ सकता है। जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। तो क्यों ना आप उस जॉब को क्विट करें, उस बॉस की चिक चिक को दूर भगाएं और अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस सेटअप करें, खुद के क्लाइंट्स बनाए, खुद का बिजनेस करें, खुद की अर्निंग करें और अपने परिवार को और अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दें। कौन नहीं चाहता ये सब? तो सपोज करिए आप एक मेंढक हैं जो कि एक कुएं में गिर चुके हैं, आपको बस खाली कुआं दिखता है, आपके इर्द गिर्द जितना भी पानी है आप समझते हैं कि आप ही वहां के शेर हैं, पूरी दुनिया में बस उतना ही सब कुछ है, उतना ही अर्निंग का सोर्स है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, उस कुएं से निकल के थोड़ा बाहर तो देखो, थोड़ा रिस्क लेना सीखो, थोड़ा अलग सोचो। जैसे कि वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, हमेशा आप सब यही सोचते रहते हो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं वो जॉब क्विट कर दूं, पता नहीं मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लोग क्या कहेंगे कि आपका लड़का क्या करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के इंडियन समाज में यही है कि वो सब ये पहले फ्यूचर सोच के चलते हैं कि मतलब फ्यूचर में क्या होगा, बट ये नहीं देख रहे करंटली अगर प्रेजेंट ही नहीं सुधारोगे तो फ्यूचर क्या होगा। तो फिर चलिए इसी मोरल के साथ मैं अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आपको सिर्फ टाइप करके, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, बस आपको टाइप करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। जैसे कि आप सब बहुत सारी फेक वेबसाइट्स देखते होंगे, फेक वेबसाइट्स में क्या बोलते हैं, कैप्चा एंटर करो, कैप्चा डालो, ये सब करो, तो वो सब वर्थ नहीं है यार। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको पे आउट भी नहीं करती है, बेकार में आप खाली मेहनत करते रहते हो। जैसे फ्रीलांसर, मैंने पहले सजेस्ट किया था आप सबको फ्रीलांसर के बारे में, तो फ्रीलांसर पे इतना क्या है कि फ्रीलांसर पे इतना ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि वहां पे पहले ही बहुत हाई स्किल्ड लोग बैठे हुए हैं जो कि आपको शायद मौका ना दे पाए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आप जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्रोफाइल होना चाहिए, जो आपका जो क्लाइंट है वो आपको काम देगा तो वो इस बेसिस पे देगा। अगर आपके पास प्रॉपर आपका जो स्किल्स है, आपको रेटिंग कितनी मिली है, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर आप जस्ट एंट्री लेवल पे हैं या फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं, इन सभी चीजों को देख के वो आपको काम देगा जो कि आपको कुछ पैसे जनरेट करवाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, वो आपके पास रैंकिंग ही नहीं है, वो आपके पास स्टार्स ही नहीं है, तो कैसे आप कैसे अर्न कर पाओगे, कैसे आप वहां पे स्टेट कर पाओगे? तो फ्रीलांसर पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो freelancer.com पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो मैं आज आपको दो वेबसाइट सजेस्ट करने जा रहा हूँ जिसपे आप खाली टाइप करके, थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए उसमें, बस टाइप करके आप बहुत अच्छा पैसा वहां से जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप दिन का आधे से एक घंटा या फिर मान लीजिए अगर आपके पास टाइम है, निकाल सकते हैं हफ्ते में कुछ टाइम, लाइक वीकेंड्स में कुछ टाइम निकाल लिया, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग वहां से कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट का नाम है, सबसे पहले वेबसाइट का नाम है, उसका नाम है upwork.com। शायद आप सब में से बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी हो। और जो दूसरी वेबसाइट का नाम है guru.com। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर नाम जैसे कि आपने सुन लिया है तो आप इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं आगे जो अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड वाला ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ उसको जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा आपको कैसे साइन अप करना है और अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्या लिखना है, जिसके थ्रू आपके जो क्लाइंट्स हैं आपको देखें आपकी जो प्रोफाइल, अगर आप एंट्री लेवल पे भी हैं तो आपको काम मिल जाए, ताकि आप अपनी जो भी स्टार्टिंग की अर्निंग है, लाइक $10, $5, जो भी आप
पर घंटे के हिसाब से वहां चार्ज करें तो वो भी आपको इजीली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, upwork.com ये एक वेबसाइट है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। जब आप इस पे जाएंगे www.upwork.com पे, आप यहाँ पे ऐसे अपनी उसमें सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी आपको दिखेगी। ऐसा सा इसका इंटरफेस है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको ईजिली सब कुछ पता चल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कहाँ से लॉग इन करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ बहुत ईजी वे में आपको लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत ईजी टू यूज वेबसाइट है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये upwork.com एक बहुत बड़ी फ्रीलांसिंग कंपनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, किस किस टाइप के कैटेगरीज के लोग यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और उनकी स्किल्स के हिसाब से वो क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पे, अगर आप कुछ क्रिएटिव हैं, डिजाइनर और क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलर, रेंडरिंग आपके लिए, फिर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर UX, वीडियो एडिटर, वीडियो प्रोड्यूसर्स। तो लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओनली टाइपिंग करके, आप टाइपिंग करके यहाँ पे कैसे मतलब अर्न कर सकते हैं। तो जो इनके मेन जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, जैसे कि आप यहाँ देख रखे हैं, अगर आप वेब डेवलपर हैं, मोबाइल डेवलपर्स हैं, डिजाइन कुछ करते हैं, तो मेरा जो मेन फोकस है इस पे, जो एकदम ले मैन लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आप सबकी स्किल्स जो एकदम कम है, जैसे कि हम सबको कुछ हाई एंड नहीं आता है, हमको सिर्फ टाइप करना आता है और थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज है, तो हम क्या जाएंगे, हम राइटर्स को चूज करेंगे। हम ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, हम किसी का कंटेंट राइट कर सकते हैं, हम किसी कॉपी राइटर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके काम को कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो फिर यहाँ पे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप राइटिंग करके यहाँ से अर्न कर सकते हैं, तो राइटिंग विजार्ड्स लाइक फाइन टैलेंट राइटर्स एंड एडिटर्स, यहाँ पे राइटर्स के लिए कुछ आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े बड़े राइटर्स जो कि यहां से अर्न कर रहे हैं, लाइक श्रवण आर करके हैं, आवरली रेट इनका $25 पर घंटे के हिसाब से ये काम करते हैं और $25 पर घंटे के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। ये कहां से हैं? ये नेपाल से हैं। जॉब सक्सेस 100%, मतलब आप अगर आप यहां पे जो काम करते हैं ना, तो जो यहां पे आपका जॉब सक्सेस है वो 95 के ऊपर ही रखें, 95 के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका 95 के नीचे रहेगा ना, तो मे बी आपको जो क्लाइंट्स है वो आपको प्रोजेक्ट्स ना दे और आपके पास जॉब्स ना आए। तो पॉसिबली आप सबके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आप सब जो अपना जो जॉब सक्सेस रेटिंग्स है ना, उसको आप हाई रखें। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम किस तरह की राइटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, वेब कंटेंट अगर हम लिखना चाहते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर अगर वो कंटेंट लिखवाना चाहते हैं हमसे, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जिस तरह का उनका कंटेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमें किस तरह का काम देते हैं, मतलब लाइक सपोज करिए अगर कोई फूड वाली वेबसाइट है, तो उसके ऊपर लाइक वो कुछ भी दे देंगे कि इसके ऊपर लिखो, रेसिपीज के ऊपर लिखो, तो आप लिख के उनको जितना टाइम स्लॉट में वो आपको बोलेंगे काम करने को, तो आप वहां से उसको लिख के दे सकते हैं और तुरंत ही अपनी पेमेंट अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। और जो तीसरी आती है वो टेक्निकल राइटर्स है, मतलब टेक्निकली अगर आप कुछ को लिखना चाहते हैं, लाइक कुछ टेक्निकलिटी लिखने के लिए बोलते हैं वो। अब लाइक टेक्निकल तो मैंने नहीं किया है, मैंने ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग और वेब कंटेंट किया है, तो इस समय मैंने बहुत ज्यादा अर्निंग की है, तो इसका मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है। तो आप थोड़ा इसमें अगर जाइएगा, इसमें थोड़ा डीप में घुसिएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो अभी चलिए आगे देखते हैं क्रिएटिव राइटर्स। क्रिएटिव राइटर्स में होता है लाइक ये स्टोरी लिखने को आपको दे देते हैं, कोई स्टोरी लिखिए, कुछ अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी थिंकिंग से कुछ यहाँ पे आप बहुत अच्छा अच्छा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और जो ये होता है कॉपी राइटर्स, तो कॉपी राइटर्स में भी आपको बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है आपको लिखने को, तो उनके हिसाब से जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उनको लिख के उनका जो मटेरियल है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लास्ट है वो एडिटर्स, मतलब वो एडिटर्स लाइक अभी वहां पे आपको कुछ डेटा देंगे, उसको आपको करेक्ट करना होगा या फिर उसमें कुछ गलतियां ढूंढनी होंगी, उसमें बग्स ढूंढने होंगे, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करना होता है। तो इस तरह के आपको जो मिलते हैं प्लेटफॉर्म मतलब राइटिंग के, तो इस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं और अपने स्किल्स के हिसाब से सिर्फ टाइप करके यहाँ से देखिए कितना अच्छा आपको तरीका है यहाँ पे मिलता है अर्न करने का। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको दिखा दूं कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जो क्लाइंट्स लोग होते हैं वो आपको जॉब देते हैं, वो यहाँ पे कुछ जॉब पोस्ट करते हैं, लाइक कुछ भी उन्होंने बोल दिया कि हमें इतने टाइम में इतना ये काम चाहिए तो आप मुझे करके दो, तो फिर यहाँ से वो फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं, मतलब जो लोग उनके काम को कर सके, तो यहाँ से वो हायर करते हैं। हायर करने के बाद फिर आप सब लोग इस पे काम करेंगे, उस पे वर्क करेंगे, उनके जो कंटेंट है उस पे मेहनत करेंगे और उसको जो उनका गिवन टाइम है उसमें कंप्लीट करके उनको सबमिट कर देंगे। सबमिट
करने के बाद उसके बाद जब वो चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे, अप्रूव होने के बाद कुछ पेमेंट जो भी आपने अपना डिसाइड करके रखा होगा लाइक 25 जो भी आपका इनिशियल स्टेज में, तो आपका $3 $5 पर घंटे के हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप ये कैसे वर्क करता है इनका सिनेरियो पूरा। अगर आप ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आइए, इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जब आप इनका काम पूरा करके दे देते हैं तो किस मोड्स में आप पेमेंट यहां से ले सकते हैं। तो पेमेंट आप यहां से ले सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट अपने अकाउंट में, पेपाल के थ्रू ले सकते हैं, वायर ट्रांसफर ले सकते हैं, लोकल फंड ट्रांसफर जो होता है LFT उसके द्वारा भी आप यहां से ले सकते हैं। पेनीर सबसे बेस्ट यहां पे पेओनीर है, मतलब इस पे जो आपका जो कमीशन है, मतलब जो काटते हैं, लाइक अगर आप पेपाल से करते हैं, पेपाल पे जाके वहां से कुछ एक्सचेंज कराते हैं अपनी करेंसी को, तो यहां से वो अपना जो आपका रेट है, सपोज करिए अगर $68 इंडिया में चल रहा है तो वो आपको बताते हैं, वो आपको अंधेरे में रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं $65 ही इंडिया में चल रहा है, तो उस हिसाब से 100-150-200 रुपए का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जबकि पेओनीर आपको पूरा का पूरा $68 चल रहा है, तो $68 ही आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे जो मोड्स हैं ट्रांसफर के, आप इनको यहां से यूज करके और अपने जो पेमेंट है अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आइए चलिए आगे देखते हैं जो इनका जो ऑल टाइम जो इनका रेवेन्यू है, कैसे ये हमसे लेते हैं, इनका जो फीस चार्जिंग है उसको थोड़ा समझते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हमको हायर करते हैं हमारे क्लाइंट्स लोग, वो सब हमको कुछ पे करते हैं। जो हमारी पहली पेमेंट होती है वो फ्री होती है, लेकिन जो दूसरी या तीसरी पेमेंट होती है उसके बाद जो पेमेंट्स हमको मिलती हैं उसमें जो ये अपना है अपवर्क, वो भी कुछ कमीशन रख लेता है। सपोज करिए लाइक आपके जो अगर स्टार्टिंग में $500 तक अगर आप कमाते हैं, $500 तक जब तक अर्न करेंगे तो 20% रखेगा अपवर्क आपकी टोटल अर्निंग में से। इनिशियल $500 में से ये जो आपका अपवर्क है वो आपकी कमीशन काट लेगा, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे ग्रो करते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, आपकी प्रोफाइल बढ़ती जाएगी और आपको काम मिलता जाएगा, तो उसी हिसाब से ये अपने चार्ज को कम कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको अपना नाम लिखना है, अपना सरनेम लिखना है, उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जिस भी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिंपली आप टाइप कर दीजिए, उसके बाद गेट स्टार्टेड पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा आपकी कंट्री और आपका एक पासवर्ड जो कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहां से पासवर्ड कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक मैं अपने केस में कुछ भी रखता हूं। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी को हायर करना चाहते हैं या फिर एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आपको लिखना है आई वॉन्ट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे कोई भी अपना यूजर नेम सजेस्ट करिए, लाइक मेरे केस में कुछ मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो आप खुद से भी कुछ भी बना के दे सकते हैं अगर वो अवेलेबल होगा, तो उसके बाद आप यहाँ से अपने यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है अगर आप यहां से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी होगा। एक बार आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके पे चेक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप वहां पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो बोलेगा आपका जो वेरिफिकेशन ईमेल है वो आपके आईडी पे भेज दिया गया है, ईमेल आईडी पे आप अपने ईमेल आईडी पे जाइए, वहां पे अपने अकाउंट को वेरीफाई कर दीजिए। तो लाइक मैं अपने ईमेल आईडी पे जाता हूं और इसको वेरीफाई कर देता हूं, तो उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे आता है कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज वेरीफाइड। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के टाइम पे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, मतलब आपको उनको ऐसे दिखाना है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप पहले काम कर चुके हैं। काम करने के बाद क्योंकि क्लाइंट्स लोग उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और जो उनके काम को भली भांति और अच्छे से कर सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे ही लोगों को चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, तो थोड़ा अपना जो डिस्क्रिप्शन है, अपनी जो प्रोफाइल है, उसको थोड़ा अच्छे से और स्ट्रांगली मेंटेन करिए। फ्रेंड्स जैसे हम जब देख रहे हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर टू क्लाइंट्स, तो सपोज हमारे केस में राइटिंग की स्किल्स हैं, तो मैंने राइटिंग पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ से कुछ राइटिंग्स को चूज कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स जो भी आप चूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो नीचे वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ट्रांसक्रिप्शन आ गया। और भी ऐसी स्किल्स हैं लाइक यहाँ पे आप वेब कंटेंट डालना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे और भी बहुत सारी जो भी राइटिंग स्किल्स हैं, आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, तो मैं आर्टिकल राइटिंग डालता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक किया हुआ है तो ये बोल रहे हैं कि मिनिमम आपको तीन स्किल्स तो आपको लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि क्लाइंट्स लोग ऐसे आपको नहीं
जॉब्स देंगे आपको मिनिमम 3 या और मैक्सिमम 10 स्किल्स तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। तो सपोज करिए मेरे केस में, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरी जो आईडी है जिसपे मैं काम करता हूँ वो दूसरी है, मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ। स्किल चूज करने के बाद आपको यहाँ से चूज करना है कि आपका लेवल कौन सा है, आप एंट्री लेवल पे जा रहे हैं, आप इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे हैं, या फिर आप एक एक्सपर्ट हैं, पहले ही आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो सपोज करिए हमारे केस में क्या है, जैसे कि हमको आता नहीं है कुछ, हमको नॉर्मल सी इंग्लिश आती है, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री लेवल को चूज करेंगे और यहाँ से सी रिकमेंडेशंस पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी मेंटेन करनी है, अच्छी लिखनी है, तो कंटिन्यू टू क्रिएट प्रोफाइल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से सजाना है, उसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि क्लाइंट्स लोगों को सबसे पहला जो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इक्वल्स टू लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली बात यहाँ पे आ जाती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे प्रोफाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। तो फ्रेंड्स, फोटो मैं आपको अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो फोटो तो आपको यहाँ से अपलोड करना है, और यहाँ पे जब आप कुछ लिखेंगे तो प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज आपको देख लेना एक बार, जैसे कि इसमें आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है कि आपको क्या लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसको ध्यान में रखिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी हिसाब से इसी स्टाइल में आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल को मेंटेन करिए, ब्रीफ अच्छे से इसमें दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से अपनी एजुकेशन अच्छे से दीजिए, एजुकेशन आपने क्या पढ़ाई की है, किस भी फील्ड में आपने जो भी किया है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने अभी तक इससे पहले क्या काम किया है, जो भी आपने काम किया है पास्ट में, जो भी आपने जितना भी काम किया है, जितना भी एक्सपीरियंस है, जिस भी कंपनी में आपने अपना टाइम दिया है, एक्सपीरियंस कितना है, सब कुछ आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे अपना आर्ली रेट दे दीजिए, कितना पर घंटे के हिसाब से कितना चार्ज करेंगे। तो सपोज करिए जो आपको दिखा रहा है, मिनिमम आपको $3 तो लेना ही लेना है अपने क्लाइंट से, $3 से नीचे सपोर्ट नहीं करेगा, $3 और मैक्सिमम 1,000, 999, 1,000 से $1 कम, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हम सब अभी इनिशियल लेवल पे हैं, एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो हमको सिर्फ $3 ही सफिशियंट रहेगा। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको बता रहा है, अगर आप $3 कमाते हैं यहाँ से तो आपको $2.40 ही मिलता है, लेकिन जो पहली अर्निंग होगी, सपोज पहला जॉब आपको मिलता है, तो वो आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, $3, $5 जो भी आप यहाँ पे डालेंगे तो पूरा पूरा आपको मिल जाएगा, दूसरी अर्निंग से आपके पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, आपको यहाँ से अच्छे से अपना सब कुछ भरना है, एड्रेस भरना है, सिटी भरना है, पोस्टल कोड, फोन नंबर, उसके बाद रिव्यू के लिए अपनी प्रोफाइल को सेंड कर देना है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी प्रोफाइल को हेल्दी मेंटेन करके रखेंगे तो उस हिसाब से आपको काम जल्दी मिलेगा और आप जल्दी से यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से अच्छी जॉब। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप अपनी प्रोफाइल भरने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में इन सबकी प्रोफाइल को एक बार देख लीजिए, इन पे विजिट जरूर कर लीजिए और उनको देख लीजिए कि उन्होंने कैसे अपनी प्रोफाइल को भरा हुआ है। अगर राइटिंग के ही फील्ड में ये जो आपके एक तरह से आपके सीनियर हैं, तो इन सब की एक बार प्रोफाइल देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद ओवरव्यू, स्किल्स, इन सब ने कैसे भरा हुआ है और इनको काम कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे इनकी कुछ वर्क हिस्ट्री है, ये सब भी देख लीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, $8 पर घंटे के हिसाब से इन्होंने चार्ज किया है, तो इन्होंने अभी इस जॉब से सिर्फ $982 अर्न किए हैं। फ्रेंड्स, वेट क्या कर रहे हैं, जाइए साइन अप करिए और अपने काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, और ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, एक मोटिवेशन के साथ और एक हमेशा एक स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो जो दूसरी वेबसाइट थी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, guru.com, तो जैसे आप देख रहे हैं ये भी एक अपवर्क की तरह ही फ्रीलांसर वेबसाइट है। अगर आप चाहते हैं दोनों पे काम करना तो आप दोनों पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पे देख सकते हैं 1.5 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड हैं, 1 मिलियन जॉब्स कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और $200 मिलियन पेड टू गुरुज, मतलब यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको गुरुज बोलते हैं। तो यहाँ पे उन सबको बहुत अच्छी अर्निंग होती है, बहुत गुरु पे मैंने ज्यादा काम तो नहीं किया है, बट थोड़ा मोड़ा अभी मैं सोच रहा हूँ मैं गुरु पे भी स्टार्ट कर दूँ। तो आप सब यहाँ पे भी जाके इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और यहाँ से भी बहुत अच्छी, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करके, राइटिंग, पोस्ट, ब्लॉग्स लिख के, आर्टिकल्स लिख के, बहुत सारे ऐसे काम से यहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ टाइप करना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सिर्फ टाइप करना है। टाइप करने में कौन सी बहुत बड़ी बात है, अगर आप थोड़ी दिमाग है, आपके पास थोड़ी स्किल्स है, तो आप इधर उधर से करके कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब आपको एक वे मिल गया होगा, एक रास्ता मिल गया होगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं और कैसे आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट से ही अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि कुछ इसमें इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो मेरी फ्यूचर की वीडियोस होगी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, और भी बहुत सारी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता हूँ, चैनल पे विजिट करिए, वीडियोस को देखिए यार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए डालता रहता हूँ।
तो उस बेल आइकन पे क्लिक करिए और मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। तो फ्रेंड्स आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओटेक ट्राई ओटेक।